गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश एसेंशियल। दिस इज गौतम सिंह, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू वीडियोज। टूडे वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर 8। सो स्टूडेंट्स, टूडेज अवर चैप्टर इज जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। हमारी जो बुक फर्स्ट है रेनबो, उस रेनबो बुक का 8th नंबर का जो हमारा चैप्टर है उसका टाइटल है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अब यहां पर यात्रा किसी ने बताई और उसने यात्रा करी है इस धरती के अंतिम छोर पर। धरती के अंतिम छोर से मतलब है वो जगह जहां पे धरती के अलावा जो भी चीज धरती पर पाई जाती है उस धरती का जहां पर जाकर एंड हो जाए, इंसानों का, फ्लोरा फुना, छोटे छोटे पेड़ पौधों का, बड़े पेड़ पौधों का और सारी उन जीवित चीजों का जो धरती पर पाई जाती है। तो धरती की जिस जगह पर जाकर उसका एंड हो जाए वो इस धरती का अंतिम छोर कहलाएगा। तो राइटर ने यहां पर जो अपना अंतिम छोर है वो बताया एंटार्क्टिका को। एंटार्क्टिका के पहले बारे में भी हमने सुना और पढ़ा है और इस दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे बहुत ही रिसर्च से भरी हुई जगह है जहां पर ढेर सारे रिसर्च की जरूरत है। तो हम हमारे चैप्टर की शुरुआत करते हैं जो कि एक इंडियन राइटर के द्वारा उसके पर्सनल एक्सपीरियंस पर लिखी गई है, यानी एंटार्क्टिका वो खुद जाके आई थी। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अब्रोड ए रशियन रिसर्च वेसल द एकेडमिक शोकेल्सकी हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, एंटार्क्टिका। राइटर कहती है कि अपने इस साल की, ये 2006 की बात है, राइटर कहती है इस 2006 की शुरुआत में जो राइटर है वो एक रशियन रिसर्च वेसल, एक रशिया जो कंट्री है उसका एक खोजकर्ता जहाज है जो कि रिसर्च करता है और खोज करता है, उस जहाज पर वो अपने आप को सवार पाती है। ये जो रशियन रिसर्च वेसल है जिसका नाम है एकेडमिक शोकेल्सकी। तो पहले हम शिप के बारे में जान लेते हैं। असल में ये जो जहाज है वो 1982 में फिनलैंड कंट्री में बना था। इस जहाज का जो मालिक है रशियन गवर्नमेंट है, रशियन गवर्नमेंट ने ये डोनेट कर रखा है रिसर्च के लिए और ये एक आइस स्ट्रेंथेंड शिप है, यानी कि पूरा मजबूत स्टील से बना हुआ है ताकि वो बर्फ को चीर सके। इस जहाज को 1982 में बनाने का जो मेनली पर्पस था वो यही था कि जो एंटार्क्टिक और आर्कटिक है वहां पर रिसर्च करना। तो क्योंकि वहां के समुद्रों में भयंकर तरीके से बर्फ जमी होती है तो उस बर्फ को चीर कर आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत जहाज का निर्माण किया गया जिसका नाम रखा एकेडमिक शोकेल्सकी। अब ये जो जहाज है इसका नाम एकेडमिक शोकेल्सकी क्यों रखा? अब एकेडमिक जो वर्ड है उससे हमें पता चल जाता है कि इंग्लिश का जो एकेडमी वर्ड होता है ये रशियन प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग लिखा गया है। तो एकेडमी का मतलब हमें बताइए जो पढ़ाई से और रिसर्च से संबंधित हो। शोकेल्सकी एक रशियन ओशियनोग्राफर, यानी कि जो समुद्रों का रिसर्च करते हैं, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनका नाम था यूली मिखाइलोविच शोकेल्सकी और ये जो जहाज है वो उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो अब इस जहाज पे जो राइटर है वो अपने आप को पाती है सन 2006 की शुरुआत में। वो ये कहती है कि हमारा जो जहाज है वो इस दुनिया के सबसे कोल्डेस्ट, सबसे ठंडे, ड्राइएस्ट, सबसे शुष्क, विंडीएस्ट और सबसे तेज हवाओं चलने वाला कॉन्टिनेंट जो महाद्वीप है उस महाद्वीप की तरफ बढ़ रही है जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा शुष्क और सबसे ज्यादा तेज हवाओं से भरा हुआ है जिसका नाम है एंटार्क्टिका। यानी जो हमारी ऑथर है, हमारी जो राइटर है वो एंटार्क्टिका की तरफ इस जहाज में सवार होकर बढ़ रही है। एंटार्क्टिका भले ही इस दुनिया का सबसे ज्यादा बर्फीली जगह हो लेकिन वो ड्राइएस्ट शुष्क इसलिए कह रही है कि वहां पर इतनी शुष्कता है कि अगर कोई आदमी पानी नहीं पिए तो वो डिहाइड्रेशन से मर जाता है। बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि एक ऐसी जगह जो पूरी तरीके से बर्फ से भरी पड़ी है वहां पर कोई आदमी शुष्कता से कैसे मर सकता है। वहां पर हवा इतनी शुष्क है कि हमारी जो बॉडी है वो अपने अंदर का जो सारा पानी है वो हमारे ब्रेथ से, अगर हम बोलते रहेंगे, सांस भी लेते रहे वहां पर, तो हमारी सांस से हमारे शरीर की जो नम्रता होती है, आर्द्रता होती है, वो सारी आर्द्रता बाहर निकल जाती है। तो इसीलिए एंटार्क्टिका में अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए टाइमली पानी पीना बहुत जरूरी होता है और यह सारी बर्फीली जगह एक ही नियम लागू होता है कि टाइमली पानी पीना होता है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा बर्फ और ठंड दिख रही है तो आदमी पानी नहीं पिए, तो पानी पीना बहुत ही कंपलसरी होता है। माई जर्नी बिगेन फ्रॉम 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वाटोर इन मद्रास।
राइटर, ये जो 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वाटोर, ये जो बता रही है, इसको हम कहते हैं मैप कोऑर्डिनेशन। मैप कोऑर्डिनेशन वो होते हैं जो इस धरती पर किसी भी जगह के बिना नाम के उस जगह को और वहां के उसकी पोजीशन को, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, उन सबको खोज निकालने के काम में आते हैं। तो राइटर में दो तरीके से बताती है कि अगर हम अपना मैप लें, ग्लोब लें और उस पर 13.9 डिग्री नॉर्थ इक्वाटोर में अगर हम देखें तो हमें एक इंडिया का स्टेट मिलता है जो कि है मद्रास। अब मद्रास हमें पता है कि उसका नाम चेंज हो गया और उसको तोड़ के अलग तीन अलग जो स्टेट हैं उन स्टेट को बना दिया गया है, लेकिन ये उस टाइम की बात है राइटर के कि जब वहां पर वो मद्रास हुआ करता था। अब ये जो 13.09 है इसका एक्चुअल में जो नेम है ज्योग्राफी में वो है 13th पैरेलल नॉर्थ। ये एक लैटिट्यूड सर्कल है जो अफ्रीका, एशिया और जो इंडियन ओशियन है वहां से होकर गुजरता है। तो इंडियन ओशियन से होकर गुजरता है तो डेफिनेटली हमारा जो मद्रास है वो वहीं पर पड़ता है। एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स। यहां पर जो राइटर है वो ये बताना चाह रही है कि उसकी मद्रास से लेकर जो एंटार्क्टिका की यात्रा है वो कितनी दूर है, लेकिन वो दूर हमें बहुत ही एक अच्छे कलात्मक तरीके से बता रही है क्योंकि साइंस में उसकी बहुत दिलचस्पी है और ज्योग्राफी में उसकी बहुत दिलचस्पी है, तो बहुत डिफरेंट तरीके से हमें डिस्टेंस बताती है। वो ये बताती है कि उसकी जो यात्रा है उसमें वो जो 9 टाइम जोन है उसको क्रॉस करती है। हमें पता है कि टोटल पूरे वर्ल्ड में पता होना चाहिए कि 24 टाइम जोन होते हैं, और टाइम जोन के लिए सबसे आइडियल प्लेस कौन सा है आपने का, द रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो कि ग्रीनविच इंग्लैंड में स्थित है। ये सबसे वो पॉइंट की जगह है जहां से पूरे वर्ल्ड की जो टाइम है उसको अलग अलग तरीके से जोन्स में डिवाइड किया जाता है। तो वह कहती है कि 9 टाइम जोन्स उसने क्रॉस करे, 6 चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स असल में बेसिन, सी बेसिन जो होते हैं, समुद्र के जो बेसिन का इलाका होता है वहां के चेक पॉइंट्स होते हैं, और ये टोटल वर्ल्ड में पूरे 6 हैं। इनका काम क्या होता है, ये जो चेक पॉइंट्स होते हैं इनका काम होता है ये पूरे समुद्र के बारे में एक ओवरव्यू, एक लेखा जोखा जिसको हम डेटा कहते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं समुद्री एनवायरमेंट के बारे में, हवा के बारे में, बर्फ के बारे में, ताजे पानी के बारे में। ये सारी चीजें जो जहाजों को जानकारी देते हैं या जिस भी साइंटिस्ट को जानकारी चाहिए होती है वो इन चेक पॉइंट से मिलती है। तो वो पूरे के पूरे 6 चेक पॉइंट करती है और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 6 ही चेक पॉइंट है, यानी धरती का अंतिम कोना। तो उसने टाइटल में बिल्कुल सही कहा है, जब आप 6 चेक पॉइंट पार कर जाते हो तो इसका मतलब आप दुनिया की पकड़ से तो बाहर हो। 3 बॉडीज ऑफ वाटर। अब हमें बताया कि टोटल 5 बॉडीज ऑफ वाटर होते हैं, जितने भी ओशियन है, सीज है, लेक है, रिवर्स है और कैनल्स है, ये कुल मिला के 5 वाटर बॉडीज हमारे पास में है। तो उनमें से 3 वाटर बॉडीज को पार कर लेती है, जिसमें से एक ओशियन है, ये तो हमें पता ही है ओशियन है, और सीज है उसके अंदर वो भी ऑब्वियस है, उसके अलावा उसने कोई लेक या रिवर उनमें से कोई एक चीज दोनों में जहाज में बैठकर क्रॉस करी है। तो इससे राइटर बताती है कि कितनी लंबी और कितनी जटिल यात्रा है उसकी अंटार्कटिका तक पहुंचने की। नेक्स्ट पैराग्राफ, बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. अब राइटर एक और बताती है कि उसकी यात्रा कितनी लंबी है। वो ये कहती है कि जिस घड़ी उसने एंटार्कटिक कॉन्टिनेंट महाद्वीप पर पांव रखा, उस पांव रखने से पहले अगर आप उसकी यात्रा को आवर्स में डिवाइडेड करो, घंटों में डिवाइडेड करो, तो उसने टोटल 100 घंटों की यात्रा करी है। 100 घंटे में वो एक कार में बैठी है, एक एरोप्लेन में बैठी है, और फाइनली जो एकेडमिक शोकेल्स की जहाज है, एक रिसर्च रशियन रिसर्च वेसल है, उस पर सवार हुई। तो 100 घंटे की एक लंबी यात्रा वो करकर आई है और उसने पहला जो पांव अपना एंटार्क्टिका की जमीन पर रखा। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग एंटार्क्टिकाज एक्सपेंसिव वाइड लैंड स्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन वॉज ए रिलीफ। तो अगर मानो कि 100 घंटे कोई आदमी तुम्हें लगातार यात्रा कराए जिसमें हमारा मोस्टली टाइम समुद्र के खारे पानी में निकले, चारों तरफ पानी के अलावा कोई भी चीज देखने के लिए नहीं हो, जबकि जो इंसान है वो हमें पता है कि जमीन, हरियाली, आसमान, ये सारी चीजें देखने के आदि होते हैं। तो अगर मानो किसी आदमी को इतना पानी में रखा जाए तो फिर उसकी हालत जमीन पर पांव रखने की से कैसी होगी, तो उसको भी बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो वो भी राइटर के साथ भी हुआ, जब उसने पहला पांव अपना एंटार्क्टिका के एक सफेद अनंत सफेदी से, क्योंकि चारों तरफ भरी है सब बर्फ के अलावा कुछ है ही नहीं, तो उसको एक अनंत सफेदी की चादर दिखती है, फिर उसे एक अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन। होराइजन क्या होता है, जिसको हिंदी में क्षितिज कहते हैं। अगर हम किसी सरफेस पर खड़े हो जाएं, एक सतह पर खड़े हों और दूर कोने तक देखें जहां तक हमारी आंख देख सकती है, तो हमें ऐसा दिखाई देगा कि हमारी नजर का जो अंतिम छोर धरती को देख पा रहा है, वहां पे जाके हमें ऐसा लगेगा कि जो आसमान और जो जमीन है वो एक साथ आपस में धीरे धीरे करके मिल रहे हैं। हालांकि वो मिलते नहीं है,
लेकिन वो हमें ऐसा दिखाई देता है, उसी को होराइजन कहते हैं। तो यहां पर जो वो उस नीले होराइजन को और सफेद फैले हुए अनंत विस्तार को, लैंडस्केप भूदृश्य, तो जब इसको देखती है तो उसे बड़ी राहत महसूस होती है कि चलो जमीन पे पांव तो रखा। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। लेकिन ये तो पहले तो उसको रिलीफ होता है, लेकिन रिलीफ के जस्ट बाद उसको एक गहरे आश्चर्य से गिर जाती है। किस बात का आश्चर्य, वो देखते हैं, वंडर एट इट्स इमेंसिटी, उसे इस चीज की वृहद्धता पर, विशालता पर, जो सफेद बर्फ का मैदान फैला हुआ है उसकी वृहद्धता पर आश्चर्य होता है। इट्स आइसोलेशन, कितना अलग थलग पूरी दुनिया के कोने में, इस बात पर राइटर को आश्चर्य होता है। बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड एंटार्क्टिका वर पार्ट्स ऑफ द सेम लैंडमास। लेकिन राइटर को सबसे बड़ा ताज्जुब तो इस बात पर है, आश्चर्य इस बात पर है कि कैसे ये अनंत बर्फ के एक क्षेत्र से भरा हुआ इलाका कभी भारत का पार्ट हुआ करता था। तो राइटर हमें सबसे इंटरेस्टिंग बात इस लाइन पे आगे बताती है कि कभी इंडिया और एंटार्क्टिका ये एक ही जमीन के टुकड़े हुआ करते थे। कैसे, तो आगे वो हमें बताएगी। 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana. राइटर बताती है कि आज से 650 मिलियन साल पहले एक बहुत ही बड़ा मिश्रित, एक महा महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम था गोंडवाना। तो अब उस गोंडवाना की बात वो हमें बताती है। डिड इंडीड एग्जिस्ट, उसको आश्चर्य इस बात का है कि वाकई में जो उसने किताबों में आज से पहले ज्योग्राफी में पढ़ा था कि इस प्रकार का जो गोंडवाना का इलाका है वो धरती पर एग्जिस्ट करता था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका, और ये कहां हुआ करता था, ये बिल्कुल ग्लोब के, धरती के केंद्र में हुआ करता था, जहां पर आज हम एंटार्क्टिका को देखते हैं। तो फिर क्या बात हुई कि इंडिया इतना अलग हो गया, तो वो हम आगे देखते हैं। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, लेखिका कहती है लेकिन तब एंटार्क्टिका ऐसा नहीं हुआ करता था जैसा हम आज देखते हैं। ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोब सीन, पहली बात तो मनुष्य जो है उसका धरती पर आगमन नहीं हुआ था, यानी जब गोंडवाना इस धरती पर एग्जिस्ट करता था और भारत एंटार्क्टिका से जुड़ा हुआ था तो तब मनुष्य धरती पर नहीं था। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और आज जैसा कि हम एंटार्क्टिका को देख रहे हैं तब वो ऐसे बर्फ का विस्तार नहीं हुआ करता था बल्कि गर्म जगह हुआ करती थी। होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फुना, अनंत प्रकार के यहां पर जो पेड़ पौधे और अंकुर थे वो पाए जाते थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव, और पूरे 500 जो मिलियन साल थे तब तक ये जो गोंडवाना था ये थ्राइव्ड, यानी कि फला फूला, यानी इसका जीवन काल 500 मिलियन ईयर्स का था। बट अराउंड द टाइम वेन द डायनासोरस वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर वे, द लैंडमास वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इंटू कंट्री, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टूडे। लेकिन लेखिका कहती है कि जो डायनासोर थे वो इस धरती से गायब हो गए, यानी कि वो पूरी तरीके से विलुप्त हो गए। उसके बाद में जो मैमल्स, यानी कि जो स्तनधारी होते हैं जिसमें इंसान भी आता है, वेल भी आती है और बाकी के सारे वो जानवर आते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं, वो अंडे नहीं देते हैं। तो राइटर कहती है कि जब जो डायनासोर थे वो भले डायनासोर बड़ा था लेकिन वो मैमल नहीं था क्योंकि वो बच्चों को दूध नहीं पिलाता था और वो अंडे देता था। तो लेखिका कहती है कि जब डायनासोर विलुप्त हो गए और जो स्तनधारी हैं उनका धरती पर पदापण हुआ, यानी कि आगमन हुआ, लेकिन उस समय एक जबरदस्त दुर्घटना ये घटी कि जो गोंडवाना हुआ करता था वो टुकड़ों में बट गया और जो देश हैं उन देशों का, जिनको आज हम देखते हैं महाद्वीपों को, अलग अलग महाद्वीपों को देखते हैं, उन महाद्वीपों का निर्माण हुआ ठीक वैसे ही जैसा आज हम ग्लोब में देख सकते हैं। यानी कि जो गोंडवाना है वो गोंडवाना किसी टाइम पर इस तरीके का दिखाई देता था, 650 मिलियन साल पहले की बात है। ये पूरा गोंडवाना लैंड हुआ करता था जिसमें आते थे अरेबिया, अफ्रीका, ये तो करंट के हैं जिनको नाम दे रखा है, अरेबिया, इंडिया, अफ्रीका, सदर्न अमेरिका, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो सारे कंट्री हैं जो आज अलग अलग बढ़ चुके हैं, क्योंकि अफ्रीका, इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका और अमेरिका सब अलग अलग हैं, लेकिन उस समय ये पूरा मिलाकर एक गोंडवाना लैंड हुआ करता था। हालांकि इस गोंडवाना लैंड से भी पहले धरती में एक और बड़ा सुपर सुपर कॉन्टिनेंट होता था, लेकिन हमारी कहानी इससे जुड़ी हुई है कि तब वो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ते बढ़ते आज जब हम जिस पूरे ग्लोब को देखते हैं ये एक बहुत बड़े लैंडमास का हिस्सा है। तो हम बात कर रहे हैं इस लैंडमास की जो आज स्टडी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो तब ये इतने सारे कंट्रीज इसके अंदर जुड़े हुआ करते थे, लेकिन 500 साल तक तो ये फला फूला, इसमें डायनासोरस भी रहे, लेकिन फिर डायनासोरस का अंत हुआ और जो स्तनधारी प्राणी हैं उनका धरती पर आगमन हुआ। लेकिन तब अचानक कोई एक ऐसी घटना घटी कि ये जो
पूरा जगह है, ये जो सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, ये टुकड़ों टुकड़ों के अंदर बट गया और अलग अलग देशों और अलग अलग महाद्वीपों के अंदर बट गया, जैसा कि हम आज की तारीख में ग्लोब देखते हैं। अब क्या कारण था कि जो गोंडवाना है वो अलग अलग टुकड़ों में बटा? तो गोंडवाना किस तरीके से टूटा हम वो भी देख लेते हैं। गोंडवाना का पहला वाला मैप हमने देख ही लिया। इस तरीके से जो गोंडवाना है वो टुकड़ों में बटा, जो एंटार्क्टिका है वो बीचों बीच रह गया, जो ऑस्ट्रेलिया है वो इस डायरेक्शन में चला गया, इंडिया इस डायरेक्शन में, अफ्रीका और जो साउथ अमेरिका है वो भी अलग अलग टुकड़ों में बट गए। तो जो पहले गोंडवाना पूरा एक मैप हुआ करता था, ये आगे चलकर इतने सारे टुकड़ों में बट गया और जो एंटार्क्टिका था वो ग्लोब के बिल्कुल बॉटम में, बिल्कुल उसके अंत में रह गया और बाकी के जो कॉन्टिनेंट्स थे वो कॉन्टिनेंट्स इसको छोड़कर अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। लेकिन क्या कारण था कि गोंडवाना क्यों टूटा? तो ऐसा है कि पहले तो जो जियोलॉजिस्ट थे उन जियोलॉजिस्ट का ये मानना था, ये जो गोंडवाना का पीरियड हुआ करता था जब इस पे डायनासोर रहते थे, इसी को हम जुरासिक पीरियड कहते हैं। इस जुरासिक पीरियड में यहां पर ढेर सारे रेन फॉरेस्ट भरा हुआ करते थे, भयंकर प्रकार की वनस्पतियों और हरियाली से भरे हुए। अब इसके स्प्लिट के पीछे, इसके टूटने के पीछे माना जाता है कि जो हॉट स्पॉट होते हैं यानी धरती के नीचे जो मैग्मा, जो लावा होता है, वो लावा बुरी तरीके से उभर कर आ गया और जो गोंडवाना है उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन 2008 में जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है उसने बताया कि ये टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं, उन टेक्टोनिक प्लेट्स यानी जो हमारी धरती है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर गिरी टिकी हुई है और वो ही आपस में मूव करती है, जब टकराती है तो उससे अर्थक्वेक भूकंप आता है। तो जो 2008 में है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने बताया कि असल में टेक्टोनिक प्लेट्स के टूटने की वजह से हुआ था, ये किसी ज्वालामुखी टाइप जो लावे का इरप्शन होता है उस लावे के फूटने की वजह से नहीं, बल्कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उन टेक्टोनिक प्लेट्स के टूटने की वजह से हुआ था। तो अब जो गोंडवाना था वो 500 साल फलने फूलने के बाद और डायनासोरों को इस धरती से विलुप्त कराने के बाद अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है, जैसा कि आज की तारीख में हम ग्लोब को देखते हैं। टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। तो राइटर कहती है कि जो 500 मिलियन साल तक जो धरती पली, जहां पर कभी डायनासोर और रेन फॉरेस्ट के झुंड हुआ करते थे, लेकिन आज जहां पर अनंत बर्फ का विस्तार है, उस जगह पर खड़े होना, राइटर कहती है कि उसी इतिहास का मैं एक हिस्सा बन चुकी हूं यहां के। टू गेट ग्रैप्स ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, वो ये कहती है कि आज एंटार्क्टिका पे कदम रख के मेरे को पता चलता है कि आखिरकार हम कहां से आए, क्योंकि राइटर ने पहले ही बता दिया कि जो इंडिया था, और हमने मैप में भी देख लिया कि इंडिया गोंडवाना का हिस्सा होता था, तो हम ये जानना चाहें कि इंडिया की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो क्लियर सा जवाब है कि इंडिया की उत्पत्ति हुई है गोंडवाना लैंड से, जो सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। तो राइटर कहती है कि अपने इतिहास की जगह पर खड़ा होना आज बड़ा सुखद लगता है, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और उसको यह भी बड़ी खुशी है कि यहां बैठकर हम यह भी पता लगा सकते हैं कि आगे भविष्य में हम किस ओर बढ़ सकते हैं। इट इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलरन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन एंड कार्बन, इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। राइटर कहती है कि अगर आपको इस धरती का बहुत ही गहन ज्योग्राफिक एक जो भूमि का जबरदस्त अध्ययन करना है कि धरती कैसे बनी, धरती पर इंसानों का पदापण कैसे हुआ, कैसे आगमन हुआ, तो राइटर कहती है कि जो क्वाड्रिलियन फोल्ड्स होते हैं, क्वाड्रिलियन फोल्ड्स वो होते हैं जो आपस में माउंटेन रेंजेस होती हैं, उनके टकराने से और उनकी परतों के एक दूसरे के चढ़ने के ऊपर से बनती है, और जो प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स होती हैं वो असल में जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनकी बहुत सख्त मजबूत पत्थर की चट्टाने होती हैं। यूजुअली इस टाइप की जो चट्टाने होंगी उसको उसके ऊपर कभी भी हमें मिट्टी की परत नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल नंगी पत्थर की चट्टाने होती हैं और बहुत अलग ही टाइप के पत्थर होते हैं, नॉर्मल पत्थर से डिफरेंट दिख जाते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल पत्थर होते हैं वो मिट्टी की लेयर के नीचे दबे होते हैं, उसके आसपास मिट्टी होती है, लेकिन जो प्री कैम्ब्रियन, एक तो बहुत पुराने टाइम को बताते हैं, जो प्री कैम्ब्रियन है वो बहुत लंबे टाइम पुराने टाइम की बताते हैं कि इन पत्थरों का निर्माण बहुत हजारों करोड़ों साल पहले हुआ था। तो ये कहती है कि अगर आप क्वाड्रिलियन फोल्ड्स या प्री कैम्ब्रियन जो ग्रेनाइट शील्ड्स हैं, या फिर आप धरती की ओजोन लेयर, या फिर धरती पर जो कार्बन, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि इसके बिना इस धरती की कोई भी चीज बन जाए ये पॉसिबल ही नहीं है कार्बन के बिना, अगर इन तीनों चीजों के बारे में जानना चाहते हैं आप, धरती और इंसान की इवोल्यूशन उत्पत्ति के बारे में जानना चाहते हैं, एक्सटिंक्शन, या आप जानना चाहते हैं कि धरती का विनाश कैसे हुआ था और आगे कैसा हो सकता है, और डायनासोर का विनाश किस तरीके से हुआ, अगर आप इन सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हो तो एंटार्क्टिका सबसे बेस्ट प्लेस है।
When you think all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. राइटर कहती है कि जब आप ये सोचते हैं कि ये सारा जो तांडव इस धरती पर हुआ कि डायनासोर पैदा हुए, डायनासोर मरे, मैमल्स आए, गोंडवाना के टुकड़े टुकड़े बढ़ गए और एक भयंकर ग्लोब का निर्माण हुआ जिसको आज हम देख सकते हैं, तो ये कहती है कि माइंड बॉगलिंग है, दिमाग को झिंझोड़ने वाला है। आप सोच के तो देखें कि कैसे ग्लोब का विस्तार हुआ, तो हम भी देखते हैं कैसे हुआ। इमेजिन, राइटर कहती है कि कल्पना कीजिए, आप अपने दिमाग में कल्पना करके देखिए एक बार कैसा सोच के लगेगा कि इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, इतना बड़ा जो इंडिया है, जो पूरा का पूरा एक पेनिनसुला है, वो पेनिनसुला किस तरीके से गोंडवाना से टूट के जैमिंग अगेंस्ट एशिया, एशिया से जाकर टकराता है टू बकल इट्स क्रस्ट, इसकी जो परतें एशिया की उनको जबरदस्त तरीके से ऊपर उछाल देता है एंड फॉर्म द हिमालयाज, और इस दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का निर्माण करता है। तो राइटर कहती है कि आप सोच के तो देखिए, ये तो सोच को भी, अगर हम इसको सोचे भी तो हमारे दिमाग की जो नसें हैं वो झुंझुड़ जाती है बढ़िया तरीके से कि कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा पेनिनसुला जो है बड़ी तेजी से पानी में बहकर जाता है और उन समुद्र से होता हुआ बहता हुआ जाकर एशिया से जाकर जबरदस्त तरीके से टकराता है, और इतना जबरदस्त तरीके से टकराता है कि जो एशिया की मिट्टी की परतें हैं, जो क्रस्ट की लेयर्स हैं, उनको इतना जबरदस्त उछालता है कि वहां पर दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका निर्माण हो जाता है हिमालय का। ये ही वो प्रोसेस है जब इंडिया अलग होकर गोंडवाना से एशिया से जाकर टकराया, तो इन दोनों के बीच में जो 33 महासमुद्र का, अगर स्टूडेंट्स ने नाम सुना होगा किसी की ज्योग्राफी में अगर दिलचस्पी रही हो और वाकई में अर्थ की हिस्ट्री में दिलचस्पी रही है तो उसे पता होगा कि 33 एक बहुत बड़ा महासागर हुआ करता था, ये महासागर पूरी तरीके से भर गया और यहां पर किसका निर्माण हुआ, हिमालयास का। तो ये रही हमारी इमेज जो हमें बताती है कि इस तरीके से जो गोंडवाना है वहां से जो इंडिया है कम से कम 70 मिलियन ईयर्स अगर टूट गया, वहां से वो बहता हुआ बड़ी तेजी से यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया, जो वैसे तो एक ही लैंडमास का हिस्सा है अगर हम करंट टाइम की बात करें, लेकिन कई बार जो कुछ जियोलॉजिस्ट्स हैं वो असल में इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं यूरोप और एशिया के रूप में, लेकिन कई जो जियोलॉजिस्ट हैं वो इसको यूरेशिया के नाम से बुलाते हैं। तो हमारा जो इंडिया है जो बड़ी तेजी से बहकर यहां से आता है गोंडवाना से अलग होकर यहां आकर तेजी से एशिया के इस हिस्से से इन प्लेट से टकराता है और इसकी परतों को इतना ऊंचा उछालता है कि यहां पर दुनिया की सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है हिमालय उसका निर्माण हो जाता है। तो राइटर कहती है बहुत माइंड ब्लोगिंग है, दिमाग की नसें जो हैं वो अच्छी तरीके से झिंझोड़ जाती हैं ये सोचकर कि क्या वाकई में ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं हमारी इसी धरती पर, जिस धरती पर हम खड़े हैं, बैठे हैं, जिसमें हम सांस ले रहे हैं। तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, ताज्जुब करने वाली, कि हमें यकीन नहीं होता कि धरती के जो बड़े बड़े इतनी हिस्से हैं वो भी इस तरीके से तैर कर जा सकते हैं, एक दूसरे से टकरा सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। तो इससे इनके अलग अलग होने से, टकराने से क्या हुआ, साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। हमने देखा था कि पहले वाले हमारे मैप में कि जो साउथ अमेरिका था जिसको आज हम साउथ अमेरिका के नाम से कॉन्टिनेंट को जानते हैं वो कभी गोंडवाना का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वो इस टेक्टोनिक प्लेट्स के टूटने की वजह से साउथ अमेरिका बड़ी तेजी से गोंडवाना से अलग होकर नॉर्थ अमेरिका से जाके जुड़ गया। लेकिन इसकी वजह से एक काम हुआ, ओपन अप द ड्रेक पैसेस टू क्रिएट ए कोल्ड सर्कमपोलर करंट। जब ये हिस्सा भी नॉर्थ अमेरिका से जाके मिल गया तो नॉर्थ अमेरिका की इसकी वजह के जाने की वजह से एक ड्रैक पैसेज, ड्रैक असल में एक लुटेरे जहाजी का नाम था, कप्तान का नाम था, लेकिन उसके रास्ते की खुलने की वजह से युवा की जो एक ठंडी जो नॉर्थ पोल से आने वाली पानी की लहरें हैं उसने चारों तरफ से एंटार्क्टिका को घेर लिया, कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रिज, पूरे एंटार्क्टिका को भयंकर बर्फ से जमा दिया, डेसोलेट सबसे अलग थलग कर दिया एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और इस ग्लोब के धरती के सबके अंत के निचले हिस्से पर पहुंचा दिया। तो जैसा कि हमने देखा था ये हमारा नॉर्थ अमेरिका था, तो जब ये यहां से अलग हुआ और यहां से ये भी अफ्रीका भी अलग हो गया तो यहां पर जो सर्कमपोलर करंट है उसको उसने क्रिएट करा और उसकी वजह से यहां पर भयंकर तरीके से बर्फ जम गई और जो एंटार्क्टिका है वो इस दुनिया का सबसे अलग, सबसे ठंडा और बर्फ से जमा हुआ स्थान बन गया। नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखते हैं। फॉर अ सन वॉर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, राइडर बताती है कि मेरे जैसा एक भारतीय जो दक्षिण भारतीय है और सूर्य की उपासना करने वाला है, हम जानते हैं कि जितने भी भारतीय हिंदू हैं वो सब सूर्य की उपासना करते हैं। 2 weeks in a place where 90% of Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect. लेखिका कहती है आप सोच के देखिए कि मेरा जैसा हिंदुस्तानी, मेरा जैसा हिंदू साउथ इंडियन जो सूर्य की उपासना करता है, जिसको रोज सूरज देखने की आदत है, सूरज की गर्मी को महसूस करने की आदत है, उसे एक धरती की ऐसी जगह पर आने का मौका मिला है जहां पर धरती की 90% बर्फ का भंडार मौजूद है।
अब धरती पर बर्फ जो मौजूद है सबसे ज्यादा 90% वो एंटार्क्टिका पर ही मौजूद है, और बर्फ हम जानते हैं कि उसमें पीने के पानी का भंडार है, लेकिन वो हमारे किसी काम नहीं आ सकता, क्योंकि एंटार्क्टिका वो जगह है जहां तक हमारी पहुंच इतनी इजी नहीं है कि हम वहां से बर्फ अपने यहां पर ला सके। हां, लेकिन ये एक धरती का टाइम बॉम्ब की तरह काम कर रहा है। ये बेवकूफ मूर्ख जो इंसान है, उन इंसानों के लिए एक टाइम बम का स्विच है जो साफ साफ बताता है कि अगर तुमने ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटिया चीज को नहीं रोका, धरती को बर्बाद करना नहीं छोड़ा, तो ये जो 90% बर्फ का स्टोर है ये गलकर महासमुद्रों में मिल जाएगा, और महासमुद्रों को इतना राइज इतना उठाव मिलेगा कि वो हिमालय जैसी पता नहीं उससे भी कई गुना जो ऊंची चोटियां हैं उसको पूरी तरीके से पानी में दफन कर देगी, और पूरी दुनिया जल प्रलय से खत्म हो जाएगी, जैसा कि बाइबल और हिंदू वैदिक धर्म ग्रंथों के अंदर लिखा है। तो ये एक लिमिट स्विच की तरह है कि जब इंसान इस धरती का जरूरत से ज्यादा एक्सप्लोइटेशन कर लेगा, इस धरती का जरूरत से ज्यादा शोषण कर लेगा, तो ये जो लिमिट स्विच है ये ऑन हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग करंटली हम जानते ही हैं सबसे बड़ा इस ह्यूमन की जो थ्रेट है वो बन चुका है, और वो थ्रेट ह्यूमन ने धरती को दी, असल में जो चेतावनी है जो धमकी है वो तो उसके लिए बन चुकी है सबसे बड़ा खतरा। तो ये जो 90% बर्फ है ये एक तरीके से लिमिट स्विच का भी काम कर रही है। लेकिन लेखिका किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रही है, तो वो ये कहती है कि मेरे जैसा एक इंसान जिसे सूरज की एक आदत है, रोज सुबह उठने की, सूरज देखने की, उसे धरती की एक ऐसी जगह पर ला रखा है जहां पे 90% धरती की बर्फ मौजूद है, इज ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट। वो ये कहती है कि एक खून जमाने वाला विचार है ये। आप सोच के देखो कि यहां पर बर्फ के अलावा कुछ नहीं है और धरती की 90% बर्फ स्टोर है, नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस बट ऑल्सो फॉर इमेजिनेशन। हालांकि वो बात ही बात में ह्यूमन एनाटॉमी भी समझाती है कि जब आप इतनी बर्फीली जगह पे आते हो तो आपके ब्लड के अंदर जो रक्त संचार होता है और जो मेटाबॉलिक फंक्शन, जो खाना पचाने का जो चयापचय सिस्टम होता है, ये सारा बुरी तरीके से प्रभावित होता है इतनी बर्फ से। तो वो कहती है कि ये जो खून जमाने वाला विचार है ये सिर्फ आपके शारीरिक तंत्र पर भी प्रभाव डालता है, बल्कि जो आपके विचार करने की क्षमता है उस पर भी प्रभाव डालता है। आपके सोच विचार को एक भयंकर झटका लगता है कि वाकई में इस धरती पर एक ऐसी जगह भी मौजूद है। इट इज लाइक वॉकिंग इन टू ए जायंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स। वो ये कहती है कि एंटार्क्टिका पर चलना कैसा है, एंटार्क्टिका चलना एक गेम होता है, पिंग पोंग बॉल व्हाइट कलर की बॉल होती है और अंदर से भी पूरी सफेद, बाहर से भी पूरी सफेद होती है। वो ये कहती है कि आप कल्पना कीजिए कि आप एक बड़ी सी, एक जायंट, एक विशाल पिंग पोंग बॉल के अंदर चल रहे हैं जहां पर आपको इंसानों का कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई देता है। नो ट्रीज, कोई पेड़ पौधे नहीं, बिलबोर्ड्स, कोई विज्ञापन पट नहीं, बिल्डिंग्स, कोई इमारतें नहीं, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, सिर्फ बर्फ और बर्फ। ये लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। वो ये कहती है कि आपके धरती पर जो इंद्रियों के दृष्टिकोण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। धरती पर आप अपने अगर देश में होते हैं तो आप सर्दी, गर्मी, बरसात, हरियाली, पानी, गर्म पानी, इन सारी चीजों का हम आभास कर पाते हैं, लेकिन जब हम एंटार्क्टिका में आते हैं तो इन सारी चीजों का जो आभास है वो यहां पर आकर खत्म हो जाता है। हमें समय का कोई ध्यान नहीं रहता और जो हमारे इंद्रियां हैं वो उस तरीके से रिएक्ट नहीं करवाती जिस तरीके से हम अपनी देश में कर पाते हैं। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी माइजेस एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स एंड आइसबर्ग्स एज बग एज कंट्रीज द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम। फिर उसके बाद में राइटर कहती है कि यहां पर जो नजारा है वो नजारा एक क्रमबद्ध तरीके से एक माइक्रोस्कोपिक दिखने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं या फिर जो बड़ी सी ब्लू व्हेल होती है और वहां से लेकर बड़े बड़े जो आइसबर्ग जो कि लगभग एक बड़े देशों के समान है। राइटर इसी के साथ में इफेक्ट भी बताती है कि जो सबसे बड़ा अभी तक का आइसबर्ग नापा गया है एंटार्क्टिका के अंदर वो इंग्लैंड के बगल में जो कंट्री है बेल्जियम उसके पूरे साइज का रहा है। तो राइटर यहां पे बताती है कि यहां पर छोटे से लेकर और विशाल का ये जो नजारा है वो एक क्रमबद्ध तरीके से है और वो सिर्फ एक ही चीज है, यानी बर्फ के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। डेज गो एंड गो ऑन इन सोरियल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट। लेखिका कहती है कि जो ऑस्ट्रल समर लाइट है उसके अंदर जो 24 घंटे के दिन होते हैं वो एकदम स्वप्न अवस्था जैसे चलते रहते हैं चलते रहते हैं। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि दिन हो रहा है, शाम हो रहा है, रात हो रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों है कि 24 घंटे में हमें आभास क्यों नहीं होगा कि कब सुबह हुई है, कब दोपहर हुई है और कब शाम हुई है और कब रात। यहां पर राइटर बात कर रहा है ऑस्ट्रल समर लाइट की। ऑस्ट्रल जो समर लाइट वर्ड है वो यहां पर इस पूरे वर्ड का, इस फ्रेज का जो यूज है वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया गया है और ये पीरियड होता है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का। जो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का टाइम माना जाता है एंटार्क्टिका में वो
हालांकि इस तरीके की गर्मी तो नहीं होती है जिस तरीके की नॉर्मल कंट्रीज में होती है, लेकिन फिर भी जो माइल्ड टेम्परेचर होते हैं वो ऑस्टल जो समर ड्यूरेशन होता है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का उसमें पाया जाता है। हालांकि ठंड बिल्कुल भी हम ये नहीं मान सकते कि ठंड गायब हो जाती है, ठंड तो उतनी खतरनाक रहती है, लेकिन सनी डेज होते हैं दोपहर, मतलब सूरज जो है उस सूरज का आभास होता है, हालांकि जो सनलाइट होती है वो किसी काम की नहीं होती है। उस तरीके से सूरज की गर्मी हम महसूस नहीं कर सकते जैसे बाकी के कॉन्टिनेंट्स में कर सकते हैं। और जो सूरज होता है वो डूबता नहीं है, ये जो ऑस्टल समर लाइट होती है ये 24 घंटे पूरा, जो ये 4-5 महीने हैं उन 4-5 महीनों में सूरज वहां पर चमकता रहता है, बिल्कुल भी अस्त नहीं होता है। तो ये वजह है कि राइटर कहती है कि जो ये 24 घंटे हैं उस 24 घंटे के अंदर दिन किसी स्वप्न अवस्था की तरह निकल जाता है, पता नहीं चलता कि कब दोपहर हो रही है, कब रात हो रही है, कब शाम हो रही है, इस तरीके से। एंड ए यूबीक्विटस साइलेंस अनइंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलांच और कार्विंग आई शील्ड। फिर वो कहती है कि वहां पर चारों तरफ एक सर्वव्यापी शांति है, हालांकि ये सर्वव्यापी शांति भग्न तो होती है, भंग तो होती है, लेकिन कब होती है, कभी कभार यहां पर अक्सर एवलांच यानी कि जो हिमखंड है उनके टूट के समुद्र में गिरने की आवाज आती है, और कार्विंग ऑफ आई शील्ड या फिर जो बर्फ की चादरें होती हैं उनके सरसराने की आवाज आती है। कॉन्सेंट्रेट द प्लेस, यही यहां पर गिनी चुनी जो आवाजें होती हैं वो यहां की नीरव शांति को भग्न कर पाती है, अन्यथा यहां पर पूरी तरीके से चारों तरफ शांति के अलावा कुछ भी नहीं है। इट्स एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस यूर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो लेखिका कहती है कि जो असीम शांति है यही वो चीज है जो असल में आपको मजबूर करती है कि आप पूरी तरीके से जो पृथ्वी का भौगोलिक इतिहास है आप उस भौगोलिक इतिहास के अंदर डूब जाओ। इमर्जन यानी कि तल्लीनता, तल्लीनता यानी जब हमारा ध्यान किसी और चीज भटका नहीं होता और हम किसी चीज के अंदर पूरी तरीके से डूबे हुए होते हैं। तो लेखिका कहती है कि यहां पर जो तल्लीनता, जो सन्नाटा, जो शांति आपको मिलती है वो आपको मजबूर कर देगी कि आप इस धरती का जो भौगोलिक इतिहास है उस भौगोलिक इतिहास के अंदर अपने आप ही डूब जाओगे। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इजंट गुड। और लेखिका कहती है वैसे भी इंसान के लिए जो पूर्वानुमान है वो एक अच्छी चीज नहीं है। इसका मतलब इंसान को अपनी धरती की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उस जियोलॉजिकल हिस्ट्री की अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। बिना धरती की भू वैज्ञानिक अध्ययन के, बिना धरती के भू इतिहास को जाने, लेखिका कहती है कि पूर्वानुमान और सिर्फ अंदाजे पर अपने भविष्य की इस धरती पर कल्पना करना ये इंसान के लिए अच्छी बात नहीं होगी। अब हम चैप्टर के अंटार्कटिका के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन इंपैक्ट, कि अंटार्कटिका के ऊपर इंसान के आने का क्या प्रभाव पड़ा है। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर ए पार्ट पेल्ट्री 12,000 ईयर्स बेयरली अ फ्यू सेकंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। लेखिका कहती है कि इस धरती पर आए हुए इंसान को महज 12,000 साल का समय निकला है, यानी इस धरती पर जो मनुष्य का आगमन शुरू हुआ है उसको केवल 12,000 साल गुजरे हैं। अब इंसान के लिए तो 12,000 साल बहुत लंबी अवधि है, लेकिन लेखिका कहती है कि अगर हम इस धरती को एक घड़ी मान ले, इसकी जो ये भू निर्माण हुआ है और धरती का जो निर्माण हुआ है अगर हम इसको घड़ी मान ले तो इस घड़ी में केवल चंद सेकंड ही बीते हैं, यानी धरती पे आए हुए इंसान को केवल एक मामूली सा समय हुआ है। इससे ज्यादा तो शायद कोयला और डायमंड और पत्थर बनने में लगता है, लेकिन इंसान को आए हुए सिर्फ 12,000 साल हुए। इन दैट शॉर्ट टाइम वी हैव मैनेज्ड टू क्रिएट क्वाइट ए रैकस एजिंग आवर डोमिनेंस ओवर नेचर विद आर विलेजेस, टाउन, सिटीज, मेगा सिटीज। लेकिन लेखिका कहती है कि केवल इस 12,000 साल की एक मामूली सी अवधि के अंदर, जो इस धरती के निर्माण के केवल चंद सेकंडों के बराबर है, उस इतने से समय के अंदर हमने एक भयंकर हंगामा धरती पर खड़ा कर दिया। रकस यानी कि हंगामा, हमने प्रकृति के ऊपर अपना पूरा डोमिनेंस जो अधिकार है उसको स्थापित करने की कोशिश करी है। किसके साथ? हमारे गांव से, हमारे कस्बों से, हमारे नगरों और हमारे महानगरों के साथ में हमने इस धरती पर, इस प्रकृति के ऊपर अपना आधिपत्य दिखाने की कोशिश करी है, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करी है। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद आवर स्पेसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। लेकिन कहता है कि इंसानों की जिस तरीके से तीव्र गति से इंसानों की जनसंख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है, इसने हमें जो अदर स्पेसीज है, इंसान के अलावा जो दूसरे जीते जागते स्पेसीज इस धरती पर मौजूद है, उनके साथ हमें एक लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही सीमित साधन प्रकृति ने हमें दिए हैं, और इस
जो संसाधन है उन संसाधन को मनुष्य केवल अकेला ही उपभोग करना चाहता है। उसको लगता है कि अगर कोई हरियाली है, कोई खेती की चीज है, तो वो केवल उसका ही आधिपत्य है। अगर फलों के पेड़ है तो केवल वो इंसान के यूज के लिए है। बाकी अगर नेचर ने बाकी के जानवरों के लिए बनाए तो इंसान नहीं चाहता कि उसको बाकी के जानवर खाएं। अगर कोई वो ऐसा करते हैं तो उसे लगता है कि जानवरों ने उसके खेतों पर या फलों की फसलों के ऊपर आक्रमण कर दिया, जबकि वो तो उनकी नेचुरल खुराक है। अगर अभी हम जयपुर की बात करें तो पूरे इंडिया के अंदर अभी टिड्डी दल का आक्रमण चल रहा है, तो सीधी सी बात है नेचर ने तो उनको बनाया इसलिए, नेचर ने पेड़ पौधे उगाए इसलिए ताकि टिड्डियां उसको खा सकें, वो फूड चेन का हिस्सा है। लेकिन इंसान को ऐसा लगने लगा है कि जो बाकी के जानवर हैं वो उसके लिए नुकसानदायक है, इसलिए जो इंसान है वो इस सीमित संसाधनों के लिए बाकी की जितनी स्पेसीज हैं उनके साथ एक निरंतर युद्ध में लग चुका है। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज नाउ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। फिर राइटर कहता है कि जो अंधाधुंध निरंतर गति से अनमिटिगेटेड अंधाधुंध तरीके से ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, उन फॉसिल फ्यूल्स का जो जो फॉसिल ईंधन होता है, जो इनका जो अंधाधुंध बिना किसी रुके और निरंतर गति से जो इनका दोहन किया जा रहा है, इन फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जा रहा है, उसकी वजह से वर्ल्ड के विश्व के चारों तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंबल है वो बुरी तरीके से बढ़ने लगा है। विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जिसकी वजह से धीरे धीरे तो सही लेकिन निश्चित तौर पर जो औसत धरती का तापमान है वो बुरी तरीके से प्रभावित होने वाला है और बढ़ने वाला है। जो ऑक्सीजन होती है वो सूरज की हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, यानी सूरज की जो हीट है वो धरती पर आती तो है लेकिन एक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर देती है, यानी इस हीट को वापस जाने नहीं देती है। जबकि ओजोन लेयर एक लिमिटेड वे में, एक लिमिटेड क्वांटिटी में इन जो सन की वेव्स होती है उनको धरती पर आने भी देती है और वापिस जाने भी देती है, तो उसकी वजह से हीट ट्रैप नहीं होती। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ऐसा ब्लैंकेट, एक ऐसा कंबल क्रिएट कर लेती है जिसकी वजह से सूरज की गर्मी जो है, रोशनी और गर्मी धरती पर आती है लेकिन वापिस नहीं जा पाती, और उसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर, वैश्विक उष्णन जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आर टाइम। लेखिका कहती है कि हमारे वर्तमान समय में, जब वो खुद वो स्कूल में है तो वो बताती है कि हमारे समय में जो पर्यावरण, जो वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं उसके अंदर जो सबसे प्रमुख ज्वलंत मुद्दा होता है वो आजकल होता है वैश्विक तापमान। ये कॉमन सी बात है। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली। तो वो कहती है कि जब ग्लोबल वार्मिंग इतनी तेजी से रैपिडली बढ़ी रहा है तो क्या वेस्ट एंटार्क्टिक के अंदर जितनी भी बर्फ की परतें हैं क्या वो पूरी तरीके से पिघल जाएगी? Will the Gulf Stream Ocean current be disrupted? क्या जो Gulf Stream Ocean से जो लहरें आती हैं, जो करंट का मतलब है लहरें, वो क्या पूरी तरीके से बाधित हो जाएंगी? तो लेखिका ये बताती है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बढ़ी तो वेस्ट एंटार्क्टिक के अंदर जितनी भी बर्फ पड़ी हुई है पूरी तरीके से गल जाएगी, जिससे जो ओशियंस हैं वो काफी हाई राइज होंगे, पानी का लेवल बहुत ऊपर आएगा और पूरी धरती डूब जाएगी। लेकिन लेखिका यहां पे बात करती है गल्फ स्ट्रीम ओशियन के बारे में। तो गल्फ स्ट्रीम ओशियन क्या है? गल्फ स्ट्रीम जो ओशियन है, सॉरी गल्फ स्ट्रीम ओशन जो है, इस ओशन जो करंट है, जो लहरें हैं, वो असल में बहुत तेज प्रवाह वाली जो महासमुद्र है उसकी लहरें होती हैं। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो मैक्सिको की खाड़ी है, वहां से अटलांटिक ओशियन के अंदर अपने गर्म पानी की लहरों को भेजती हैं और वो गर्म पानी जो है वो एंटार्क्टिका तक के नीचे नीचे जो समुद्र का हिस्सा है वहां तक बहता है। क्योंकि जो ऊपर जो पानी है एंटार्क्टिका के समुद्र का, वो तो भले ही ठंडा होकर जम जाता है लेकिन उसके अंदर जो नीचे की साइड है वो गर्म पानी की जो धाराएं हैं वो निरंतर बहती रहती है। तो अगर क्या होगा कि अगर ये गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट रुक जाए तो सीधी सी बात है कि अगर ये गर्म पानी की लहरें रुक गई तो उस एंटार्क्टिका के नीचे जो खारे पानी के नीचे जो जीव जी रहे हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे और जम के मर जाएंगे। तो इसीलिए प्रकृति ने उन जानवरों के जीने के लिए, एक्वाटिक एनिमल्स के जीने के लिए यह व्यवस्था कर रखी है कि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है वहां से गर्म पानी की जो लहरें होती है, जिसको गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट कहते हैं, वो तेजी से बहती हुई एंटार्क्टिका तक आती है। तो लेखिका कहती है अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी तो ये बुरी तरीके से बाधित हो जाएंगी। तो क्या लेखिका सवाल करती है, वाकई में ऐसा होगा? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? लेखिका कहती है कि जैसा कि हम जानते हैं कि धरती का अंत जल प्रलय से होगा, तो क्या वाकई में ये घटना घट के रहेगी? मे बी। लेखिका कहती है हो सकता है कि बिल्कुल ठीक ऐसा ही हो जैसे साइंटिस्ट कहते हैं, बट मे बी नॉट। लेकिन हो सकता है कि ऐसा नहीं भी हो अगर हम प्रयास करें तो। ईदर वे एंटार्क्टिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। लेकिन लेखिका कहती है जो कुछ भी हो,
कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की, तो जो एंटार्क्टिका है वो एक निर्णायक तत्व है, क्रुशियल यानी कि निर्णायक, एक निर्णायक तत्व है अगर हम ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो। नॉट जस्ट बिकॉज इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयर फॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रेस्पेक्ट, बट मोर इंपॉर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड इन इट्स आइस कोर्स हाफ मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस। लेकिन लेखिका कहती है कि निर्णायक तत्व जो एंटार्क्टिका है वो किसी भी ग्लोबल जो वार्मिंग है उसकी वाद विवाद प्रतियोगिता में केवल सिर्फ इसलिए ये मुख्य बिंदु या ज्वलंत बिंदु नहीं रहता है कि ये एक धरती की इकलौती ऐसी जगह है जिसमें कभी इंसान का आगमन नहीं हुआ, यानी इंसान की पैदाइश कभी भी एंटार्क्टिका में नहीं हुई, और इसी वजह से जो ये इलाका है यानी कि जो एंटार्क्टिका है वो पूरी तरीके से प्रिस्टाइन यानी कि अपरिवर्तित रह चुका है, यानी वहां पर इंसान का कभी भी पांव नहीं पड़ा और किसी मनुष्य का जन्म वहां पर नहीं हुआ। लेकिन राइटर कहती है कि इसके प्रसिद्ध होने का, इसके निर्णायक मुद्दा होने का एक दूसरा कारण है, वो दूसरा कारण ये है, एंटार्क्टिका प्रमुख बिंदु इसलिए होता है किसी भी वाद विवाद में क्योंकि इसकी जो हाफ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन की परतें हैं, यानी कि जो जमीन के नीचे एंटार्क्टिका की जो कई फीट मोटी बर्फ की, कई मीटर मोटी जो बर्फ की चादरें बिछी हुई हैं, उस बर्फ की चादरों के नीचे जो मिट्टी है, उस मिट्टी के कई परतों के नीचे जो कार्बन है, उस कार्बन के अंदर कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि डायनासोर क्या थे, किस प्रकार के वर्षा वन उस जमाने में हुआ करते थे जब गोंडवाना और जुरासिक पीरियड हुआ करता था। यानी जो एंटार्क्टिका है उस एंटार्क्टिका के ऊपर जो अभी जो हम देखते हैं वो बहुत ही मोटी बर्फ की कई मीटर चादरें हैं, लेकिन उसके नीचे बिल्कुल आज की जैसी जो हमारी दुनिया है, यानी अगर हम ये कंक्रीट सीमेंट की बनी हुई चीजों को हटा दें तो आज के जितने फ्लोरा फुना, जितने पेड़ पौधे और खेती फल बीज और जो वन्य जीव जंतु पक्षी हमारे धरती पे पाए जाते हैं, बाकी के कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं, ठीक वैसे ही उन जानवर और पेड़ पौधे के जो अवशेष है वो एंटार्क्टिका की कई मीटर नीचे परतों के अंदर कार्बन बन के दबे पड़े हैं। इसीलिए लेखिका कहती है कि अगर आप पर्यावरण बदलाव की बात कर रहे हैं या फिर आप ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं तो जो एंटार्क्टिका है वो एक प्रमुख, एक ज्वलंत मुद्दा होता है उस वाद विवाद प्रतियोगिता के अंदर। इफ यू वॉन्ट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो। लेखिका कहती है कि अगर आप इंसान का, इस धरती का इतिहास, वर्तमान और भविष्य जानना चाहते हो तो लेखिका कहती है कि एंटार्क्टिका ही वो एकमात्र जगह है जहां पर आपको अपने इन सारे सवालों का जवाब मिल सकता है। स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये एक वर्ल्ड फेमस प्रोग्राम है जिसकी एक कॉन्ट्रेक्शन है SOI, स्टूडेंट्स ओआई, एक वर्ल्ड फेमस प्रोग्राम है। द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद ऑन शोकेल्स्की, यहां पर एक LLIE वर्ड था, वो सेंसेस वर्ड था, उसका कोई मतलब नहीं था, मिसप्रिंटिंग थी। विद ऑन शोकेल्स्की एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड and providing them with empowering educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. लेखिका अब उस प्रोग्राम को बारे में बताती है जिस प्रोग्राम के अंडर उसको एंटार्क्टिका जाने का और एकेडमिक शोकेल्स्की के बाहर सवार होने का मौका मिला है। असल में जो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम है ये एक कनाडियन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो कनाडा कंट्री है उस कनाडा में चैरिटी पर चलने वाली यानी दान पर चलने वाला एक संगठन है। इस संगठन के मालिक का, इसके फाउंडर का, जिसने इसकी स्थापना करी और इसका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जो इसका कार्यकारी अधिकारी है, उसका नाम है जियोफ ग्रीन। जियोफ ग्रीन भी एक कैनेडियन साइंटिस्ट है और सबसे बड़ी बात है उनके अंदर एक बहुत जबरदस्त जोश और जुनून है, वो है इस धरती को बचाने का। और धरती को बचाने की शुरुआत और सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो जियोफ ग्रीन की नजर में है वो है एंटार्क्टिका। वो ये कहना चाहते हैं कि एंटार्क्टिका ही वही जगह है जहां पे जाके आप ये पता कर सकते हो कि वर्तमान समय तक इंसान ने इस 12,000 के साल में इस धरती को कितना नुकसान, कितनी चोट पहुंचाई है। अब ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट और आइस, ये हर साल पूरे वर्ल्ड में से, हर कंट्री में से एक हाई स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है उसको इकट्ठा करते हैं और लगभग 50 बच्चों का ग्रुप बना के ये उसे एंटार्क्टिका लेके जाते हैं। क्या करने के लिए लेके जाते हैं वो हमें आगे पता चल जाएगा। तो लेखिका कहती है स्टूडेंट और आइस, जिस स्टूडेंट और आइस प्रोग्राम का वो हिस्सा है, इसी प्रोग्राम के अंतर्गत वो इस प्रोग्राम पर काम भी कर रही है और एकेडमी शोकेल्स्की नाम के जहाज पर भी सवार है। ये जो प्रोग्राम है, ये जो अभियान है, इस अभियान का एक लक्ष्य है
एक मध्यस्थता करना, एक तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो शैक्षणिक अवसर होते हैं और जो एंटार्क्टिका है उन दोनों के बीच में वो एक मध्यस्थता कर रहे हैं, यानी वो बीच में आकर जो जियो ऑफ ग्रीन है वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है उसके लाके एंटार्क्टिका पे जोड़ देते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको एंटार्क्टिका पर आने की एक मध्यस्थता करते हैं, उनको एक रास्ता दिखाते हैं। और ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो ये विद्यार्थियों का जो समाज है, वो आगे चलकर अपने जो ये प्लेनेट है, जो हमारा जो ग्रह है, इसको रेस्पेक्ट कर सके और इसके लिए वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक समझ बना सके। तो ये जियो ऑफ ग्रीन का और स्टूडेंट्स ऑन आइस जो प्रोग्राम है उसका एक एम है, उसका ये टारगेट है। इट इज हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 ईयर्स नाउ। लेखिका कहती है कि 2006 में तो वो गई है, लेकिन इस 2006 में चलते चलते इस प्रोग्राम को लगभग 6 साल हो चुके हैं। हेडेड बाय कैनेडियन जीव ग्रन, इस अगुवाई जो इस अभियान की करते हैं उनका वो एक कैनेडियन नागरिक है जिनका नाम है जियो ऑफ ग्रीन। अब जियो ऑफ ग्रीन कौन थे, मैंने बताया था उनका इंट्रोडक्शन, तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार इंट्रोडक्शन है। Who got tired of courting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way? Geoff Green असल में एक ऐसे आदमी थे, एक ऐसे ट्रेनर थे, या कह लो कि एक ऐसे गाइड थे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, चाहे वो टीवी मूवीज में काम करने वाले लोग हैं या फिर जो रिटायर्ड बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या फिर वो अमीर लोग, यानी इन तीन कैटेगरी के वो लोग जिनके पास में ढेर सारा पैसा और क्यूरोसिटी सीकर है, जिनमें जिज्ञासा भरी पड़ी है कि रेगिस्तान कैसा होता है, दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान कैसा होगा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कैसी होगी, दुनिया की सबसे जल्दी ठंडी जगह कैसी होगी, महासमुद्र के अंदर क्या होगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि इन सारी जगहों को घूमना चाहते हैं और ऑब्वियसली क्योंकि इन लोगों के पास में पैसा बहुत अंधाधुंध होता है, तो ये बड़े बड़े ऐसे जियोफ ग्रीन जैसे जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको हायर करते हैं, उनको मोटा पैसा देते हैं और उन जगहों का एक टूर करवाते हैं, अपने आप खुद घूम के आते हैं। लेकिन जो जियोफ ग्रीन थे वो इस दुनिया के कुछ ऐसे गिने चुने लोगों में से हैं जिनको ये लगा कि ये जो अमीर लोग हैं ये उनको जो वापसी में जो मिलना चाहिए वो बहुत ही सीमित तरीके से दे पाते हैं, और वो क्या है, पैसा। यानी जॉब ग्रीन के लिए पैसा मैटर नहीं करता, उस आदमी के लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि उसको पता है कि वो पैसा इस जिंदगी के साथ इस धरती पर छोड़ जाएगा। तो जॉब ग्रीन बड़ी जल्दी इन अमीर लोगों को ऐसी उत्सुकता भरी जगह ले जाते उब गए और उन्होंने ये काम बंद कर दिया और स्टूडेंट्स को ले जाना शुरू कर दिया। लेकिन क्यों, स्टूडेंट्स में ऐसी क्या खा बात है। विद स्टूडेंट्स ऑन आईएस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब लर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट। क्योंकि जियोफ ग्रीन का मानना है कि उन्होंने जो प्रोग्राम चलाया स्टूडेंट्स ऑन आईस, ये एक ऐसा प्रोग्राम उन्होंने चलाया जो प्रोग्राम फ्यूचर जनरेशन यानी कि जो स्टूडेंट है, जो आने वाली हमारी भावी पीढ़ी है, जो कि पॉलिसी मेकर्स हैं, कल के नीति निर्माता हैं, उनमें से कोई यूएन ज्वाइन करेगा, यूनाइटेड नेशन में जाएगा, कोई वर्ल्ड हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, कोई किसी कंट्री का पीएम बनेगा, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, कोई एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बनेगा। तो इसीलिए जियोफ ग्रीन का यह मानना था कि ये जो आने वाली भावी पीढ़ी है, जो कल की नीति निर्धारक है, इनको एक ऐसा जीवन परिवर्तित करने वाला अनुभव वो उपलब्ध कराना चाहते थे। क्योंकि विद्यार्थियों की जो एज होती है वो ऐसी होती है जिसमें वो एब्जॉर्ब किसी भी अच्छी बात को आत्मसात कर लेते हैं, लर्न उसको सीख लेते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट। और सबसे अहम बात यह कि विद्यार्थी अपनी सीखी हुई चीज के अकॉर्डिंगली अपना आचरण भी कर लेते हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं उनके दिमाग में ढेर सारी पूर्व धारणाएं होती हैं, वो दूसरों की समझाई हुई बात को अपने ईगो के आगे कुछ नहीं समझते हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो जियोफ ग्रीन स्पेसिफिकली इसीलिए स्टूडेंट्स को एंटार्क्टिका ले जाने लगे क्योंकि उनको लगा कि धरती को बचाने की इस मुहिम में उन्हें ऐसी भावी पीढ़ी को तैयार करना होगा जो कल को जाकर आगे की नीति निर्धारक जनता बनने वाली है। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। लेखिका कहती है और जाहिर तौर पे जियोफ ग्रीन का जो प्रयास है पूरी तरीके से सफल रहा। और क्यों रहा, क्योंकि लेखिका कहती है साउथ पोल यानी एंटार्क्टिका, इसके आप नजदीक तक चले जाओ और आप इससे प्रभावित हुए बिना रह जाओ ये हो ही नहीं सकता। इट इज इजी टू ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग व्हाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन ऑफ अवर रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, but when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing you begin to realize that the threat of global warming is very real। अब लेखिका कहती है कि अपने घर पर टेलीविजन सेट पर बैठना, मजे से अपने देश पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का मतलब है इस वर्ल्ड के मैप पर, अपने मजे से अपने घर पर अपने राज्य पर बैठना और वहां पर बैठकर ये जो पिघलती हुई बर्फ की
ग्लोबल वार्मिंग की बातें हैं, इनको सुनना और इनके बारे में बड़ी जल्दी परितृप्त हो जाना। यानी एक घंटे का मानो किसी ने डॉक्यूमेंट्री देखा, उस एक घंटे की डॉक्यूमेंट्री में था कि भैया दुनिया की बर्फ जो है अंटार्कटिका में बड़ी तेजी से गल रही है और दुनिया में बड़ी तेजी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो लेखिका कहती है तो बहुत आसान होता है और आप बड़ी जल्दी परितृप्त भी हो जाते हो, आप दिलचस्पी लेना बंद कर देते हो। बोले हाँ यार, एक घंटे से यही दिखा रहा है, बर्फ गल रही है और महासमुद्रों का लेवल बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, लेकिन अपने घर पे बैठ के हमें थोड़ी एहसास होता है। लेकिन लेखिका कहती है कि जब आप साउथ पोल आते हो, अंटार्कटिका की जमीन पर कदम रखते हो और जब बड़े बड़े ग्लेशियर्स को, हिमखंडों को आप पिघलते हुए देखते हो, जब बड़ी बड़ी बर्फ की जो परतें हैं वो आपकी आंखों के सामने पिघल के बड़ी तेजी से समुद्र में जाके मिल जाती है, तब आपको पता चलता है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग की जो धमकी पर्यावरण हमें दे रहा है वो वाकई में वास्तविक है, झूठी या फिर बहुत दूर आगे जाके घटने वाली घटना नहीं, बल्कि जल्द ही आने वाले समय में घटने वाली एक बहुत बड़ी विपदा होगी। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ अर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरमेंट कैन हैव बिग रिप्रिकॉशंस। लेखिका कहती है कि अंटार्कटिका एक वो जगह है जहां का बहुत ही साधारण इकोसिस्टम है, क्योंकि इकोसिस्टम बहुत ही लिमिटेड है, बायोडाइवर्सिटी वहां पर मिलेगी नहीं, बर्फ में रहने वाले चीजों के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो लेखिका कहती है कि एंटार्क्टिका जिसका बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान इकोसिस्टम है और बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता है, ये एक ऐसा परफेक्ट, एक ऐसी सटीक जगह है जो आपको ये बताती है कि प्रकृति के अंदर आप अगर कोई भी बदलाव यानी इंसान अपनी तरफ से लाने का बदलाव की कोशिश करता है तो उस बदलाव का कितना भयंकर दुष्परिणाम हो सकता है, रिप्रिकॉशंस हो सकते हैं, ये आप एंटार्क्टिका में खड़े होकर समझ सकते हो। अपने घर पर अगर आप अपने राज्य में सारे पेड़ों को काट देते हो, प्रदूषण के लेवल को बढ़ा लेते हो, तो आपको कभी समझ नहीं आएगा कि धरती पर कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, लेकिन जब आप एंटार्क्टिका पे खड़े होते हो तब आपको पता चलता है कि 12,000 सालों के अंदर इंसान ने इस धरती का कितना सत्यानाश करा है, कितना बर्बाद करा है। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंकटन दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर सदर्न चेन, एंटायर सदर्न ओशियन फूड चेन। लेखिका कहती है उदाहरण के तौर पर आप फाइटोप्लैंकटन को लीजिए, फाइटोप्लैंकटन एक सिंगल सेल्ड, एक सिंगल सेल वाली समुद्री घास होती है जो कि पूरा जो सदर्न ओशियन है यानी एंटार्क्टिका, उसके आगे का जितना भी पूरा समुद्र है उसकी पूरी फूड चेन को यह घास ही चलाती है। अब घास को कैसे चला सकती है वो हम आगे देखते हैं। दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमुलेट कार्बन एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। लेखिका कहती है कि जो एक सेल वाला कोशिका वाला ये जो पौधा है, जो समुद्री घास है जिसको फाइटोप्लैंकटन कहते हैं, ये समुद्री घास भले ही पानी के अंदर होती है लेकिन सूरज की मामूली सी रोशनी को पाकर ये समुद्र के पानी के अंदर जो जीवों द्वारा छोड़ने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की गैस होती है उसको अपने अंदर एसिमिलेट यानी कि आत्मसात कर लेती है, अपने अंदर समा लेती है। सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें एक लय ताल, एक सामंजस्य बिठाती है और सबसे सुंदर जो इस प्रकृति की लेखिका कह रही है, इस दुनिया का जो सबसे सुंदर प्रोसेस है वो क्या है, वो है फोटोसिंथेसिस, जिसमें जो पेड़ों की पत्तियां जो होती हैं वो सूरज की रोशनी पाकर अपना भोजन बनाती हैं और उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड को एसिमिलेट करती हैं, आत्मसात करती हैं और बदले में ऑक्सीजन देती है। वो ऑक्सीजन जो सिर्फ धरती पर सरवाइव करने वाले जानवरों और इंसानों के लिए नहीं बल्कि समुद्र के अंदर भी जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके लिए भी परमावश्यक होती है। बिना पानी में ऑक्सीजन के सारे समुद्री जीव जंतु मर जाएंगे। अब मजेदार बात यह है कि समुद्र के अंदर ऑक्सीजन कहां आती है, बाहर तो ऑक्सीजन चल रही है लेकिन समुद्र के पानी के अंदर ऑक्सीजन कौन बोलता है, ये वही है फाइटोप्लैंकटन। ये एक मामूली सी सिंगल सेल, एक कोशिका की दिखने वाली जो घास है, ये केवल जब अंदर समुद्र के अंदर सूरज की रोशनी को पाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को, जो पानी के अंदर जीव ऑक्सीजन ले रहे हैं, मछली भी ऑक्सीजन नहीं लेती है पानी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेती है, वो उस ऑक्सीजन को लेती है लेकिन बदले में वो भी CO2 एमिट करती है। तो उस CO2 को जो एक मामूली सी दिखने वाली एक कोशिका की घास होती है वो अपने अंदर समा लेती है और सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है और समुद्र के पानी में ऑक्सीजन मिला देती है। यानी इस घास के खत्म होने का मतलब है समुद्री जीवों की समाप्ति। और सबसे बड़ी बात है फूड चेन, क्योंकि समुद्र के अंदर छोटे छोटे ऐसे जीव होते हैं जो इस घास को खाते हैं, फिर उनको दूसरे बड़ी मछलियां खाती हैं, फिर उन बड़ी मछलियों को उनसे भी बड़ी मछलियां खाती हैं और इस तरीके से जो खाद्य श्रृंखला है वो समुद्र और महासमुद्र के अंदर काम करती है। इस घास के खत्म होने का मतलब है सारी समुद्रिया जो जीव है और जो जीवन है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। साइंटिस्ट वॉर्न्स दैट
warned that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton. लेखिका बताती है कि जो वैज्ञानिक है उन्होंने साफ तौर पर हमें ये चेतावनी दे दी है कि अगर ओजोन लेयर जो हमारी अगर उसके अंदर थोड़ा भी डेप्लिशन यानी थोड़ी सी भी कमी आई, अगर उसकी परत में थोड़ी सी भी कमी आई तो ये जो बहुत ही नाजुक घास होती है फाइटोप्लैंक्टन ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। यानी अगर ओजोन लेयर कम पड़ती है तो ज्यादा तेज जो गर्मी वाली है वो सन की किरणें जो है सूरज की किरणें है वो समुद्र में पहुंचेंगी और इस घास को पूरी तरीके से नष्ट कर देंगी। इससे क्या होगा which in turn will affect the lives of the marine animals and birds of the region. जो उससे सारी जो समुद्री मछलियां हैं सदर्न ओशियन की वो पूरी तरीके से मर जाएंगी और मछलियों के दम पर पलने वाली जो उस इलाके की पक्षी हैं वो भी पूरी तरीके से मर जाएंगे एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर सदर्न ओशियन की फूड चेन डिसरप्ट होती है, वो बाधित होती है, तो जितना भी धरती का कार्बन साइकिल है वो पूरी तरीके से लड़खड़ा जाएगा। इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन देयर इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। लेखिका कहती है कि ये जो पैराबल असल में बाइबल की शिक्षा प्रद कहानियां होती हैं जो भगवान जीसस क्राइस्ट से जुड़ी है, लेकिन यहां पर लेखिका जिस पैराबल की बात कर रही है, जिस शिक्षाप्रद कहानी की कर रही है, वो शिक्षाप्रद कहानी है फोटोप्लैंक्टन के बारे में, उस समुद्री घास के बारे में। यानी राइटर ने कहा है कि जिस तरीके से बाइबल के अंदर भगवान की कहानियों की हिम्मत होती है, वैसे ही जो फाइटोप्लैंक्टन की कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये देयर इज ए ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, तो ये हमारे जिंदगी के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए एक जबरदस्त लाक्षणिक उदाहरण प्रस्तुत करती है। और वो क्या प्रस्तुत करती है, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। ये जो फोटोप्लैंक्टन की जो लेखिका ने हमें एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाई है, ये शिक्षाप्रद कहानी हमें अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक लाक्षणिक उदाहरण ये देती है कि हमें केवल छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जिस दिन हम प्रकृति में केवल छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने लगेंगे, उस दिन जो बड़ी चीजें होंगी वो अपने आप स्वतः ही अपनी जगह पर ठीक हो जाएंगी। यानी राइटर जो है वो ये कहना चाहती है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एकदम से कोई बड़े आंदोलन या कोई तूफान मनाने के लिए या करोड़ों हजारों करोड़ डॉलर के बजट की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें जो छोटी छोटी इंसानों की हरकतें होती है उनको सही तरीके से सुधारना होगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है वॉक ऑन द ओशियन, यानी कि जो राइटर है वो एंटार्क्टिका के ओशियन पर अब पहुंच चुके हैं, जमीन से निकलकर अब वो समुद्र पे आ गए। माय एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ सच एपिफेनीज, यहां पे जो वर्ड यूज हुआ है एपिफेनीज असल में वही बाइबल का है, बाइबल का एक वर्ड है जिस तरीके से पैराबल था। एपिफेनी असल में एक त्यौहार है और ये उस दिन की याद में मनाया जाता है जिस दिन जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था और पहली बार उनसे तीन चरवाहे उपहार लेकर जीसस क्राइस्ट से मिलने आए थे, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें किसी देवदूत ने कहा था, तो उस दिन को उस याद में एपिफेनी के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। लेकिन यहां पर इस वर्ड का जो मतलब है वो हम ये लगा सकते हैं सहज ज्ञान से, यानी किसी जैसे भगवान बुद्ध को एकदम से अंतर ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उसी तरीके से लेखिका कहती है कि जो एंटार्क्टिका की उसकी यात्रा है, जो अनुभव है, ये पूरी तरीके से अंतर ज्ञान से भरा पड़ा है। हर रोज किसी न किसी एक चीज का उसके अंदर ज्ञान का उत्सर्जन हुआ, यानी अचानक किसी चीज का उसे एंटार्क्टिका और धरती के बारे में ज्ञान होता रहा। बट द बेस्ट ऑकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ, लेकिन वो कहती है कि सबसे बड़ा जो आत्मज्ञान उसको हुआ वो 65.55, यानी कि एक लैटिट्यूड सर्कल, एक लैटिट्यूड गोलार्ध है, जब हम सदर्न जो ओशियन और एंटार्क्टिका जो आता है ये उसको क्रॉस करती हुई लाइन जाती है, यानी वो एंटार्क्टिका से निकलकर जो सदर्न ओशियन है, एंटार्क्टिक ओशियन है, वहां पे आ चुकी है। तो ये कहती है कि सबसे जबरदस्त जो आत्मज्ञान का अनुभव था वो उसको हुआ इस लैटिट्यूड पर। वो क्या था, द शोकेल्स्की हैड मैनेज्ड टू वेज हरसेल्फ इनटू अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिनसुला एंड टेडपोल आइलैंड व्हिच वाज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। असल में जो एकेडमिक शोकेल्स्की जहाज जब इन बच्चों को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगा तो जो पेनिनसुला है, तीन साइड से घिरा हुआ जो लैंड था पानी से, वहां और उसके बीच में एक टेडपोल आइलैंड था, उन दोनों के बीच में जो एकेडमिक शोकेल्स की है वो वेज यानी कि बुरी तरीके से फंस गया था, इतना फंस गया था कि वो आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता था। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़े तो उन्हें जहाज को पीछे लेना होगा और वापस दोबारा घूम के जाना होगा। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, बट बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन। तो जो जहाज का कैप्टन था उसने डिसाइड करा कि वो बैक गियर में जहाज को पीछे लेंगे और फिर नॉर्थ की तरफ अपनी
जो यात्रा है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले कि वो यात्रा बढ़ाएं, इन सभी विद्यार्थियों को कहा गया कि वो अपने कपड़े पहने और गैंग प्लैंक पर आए, क्योंकि हमें जानते हैं कि जो सतह से लेकर जहाज की, जो पानी के जहाज की ऊंचाई होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो उससे चढ़ने और उतारने के लिए जिस सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है उसको गैंग प्लैंक कहते हैं। तो इससे पहले कि कैप्टन जहाज को बैग ले, तो इन सारे स्टूडेंट से, जो लीडर थे जहाज के इस एक्सपेडिशन ग्रुप के, तो उन्होंने उन्हें कहा कि जहाज के नीचे उतरिए और जो जमा हुआ समुद्र एंटार्क्टिक का उसकी बर्फ पे उतरिए। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस। तो ये बात कहते ही सारे 52 के 52 ये जो विद्यार्थी थे, ये सारे के सारे नीचे उतरे गैंग प्लैंक पे, निटेड आउट इन गोल्ड टैक्स एंड ग्लेयर्स। लेकिन इतना उतरना एंटार्क्टिका की बर्फ में और ऐसे जाना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले वो निटेड आउट, यानी कि सजे धजे, किसमें सजे? गोर-टेक्स। गोर-टेक्स असल में एक ब्रांड है जो एक ऐसा स्पेशल फैब्रिक बनाता है जो पानी में तो भीगता नहीं है, वाटरप्रूफ होता है, लेकिन वो ब्रेथेबल होता है। जैसे सूती कपड़े की हवा आर पार जाती है, उसी तरीके से जो गोर-टेक्स का फैब्रिक होता है उसके हवा आर पार जाती है, हमारी स्किन सांस तो ले सकती है लेकिन जो बर्फीला पानी है वो हमें बिल्कुल भी भिगा नहीं सकता है। एंड ग्लेयर्स, और उन्होंने चश्मे पहने। चश्मा इसलिए जरूरी है क्योंकि सूरज की जो चौंध होती है वो जरा बर्फ पर पड़ती है तो वो इतनी तेज होती है कि वो आइस ब्लाइंडनेस क्रिएट कर सकती है, यानी अगर नंगी आंखों से हम बर्फ पर सूरज की रोशनी को देखें तो हम अंधे हो सकते हैं। तो उन्होंने अपने आप को सजाया धजाया, गोर-टेक्स के सूट पहने, एक टाइट फिटिंग कपड़े होते हैं, और उन्होंने अपने वो चश्मे पहने, वॉकिंग ऑन ए स्टार्क व्हाइटनेस, एक असीम सफेद जो बर्फ थी उसके ऊपर चलना शुरू करा, दैट सीम्ड टू स्प्रेड आउट फॉर एवर। उस बर्फ के ऊपर चलते हुए लेखिका और बच्चों को ऐसा एहसास हुआ जैसे मानो हजारों साल से बर्फ यहां बिछी हुई है, ये सफेद जो चादर है ये कई सौ साल पुरानी है। अंडरनीथ अवर फीट, लेकिन उस बर्फ के नीचे क्या है? वॉज ए मीटर थिक आइस पैक, यानी 1 मीटर की लगभग मोटी चादर है बर्फ की जिसके ऊपर उस समय ये बच्चे खड़े हैं। एंड अंडरनीथ दैट, लेकिन इस एक मोटी बर्फ की चादर के नीचे क्या है? 180 meters ऑफ लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर, उसके नीचे वही गर्म पानी है जो गल्फ ऑफ मैक्सिको से आ रहा है जिसको हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा था। उसके नीचे 180 मीटर गहरा पानी है जो सजीव है, यानी उसके अंदर मछलियां हैं, ढेर सारे जीव जंतु हैं, और सांस लेता हुआ नमकीन खारा समुद्र का पानी है। इन द प्रेफेरी, जब वो इस यहां से इस गोले पर खड़े थे, बर्फ के टुकड़े पर बड़े से खड़े थे, तो इसकी जो बाहरी सीमा थी प्रेफेरी, क्रैब ईटर सील्स, वहां पर केकड़े खाने वाली जो सील मछली होती है वो वहां पे बैठी हुई थी, वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व्स ऑन आइस फ्लोज मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ ए बनियन ट्री। लेखिका कहती है कि जब वो इस बर्फ के टुकड़े के बाहर की तरफ उसने देखा भारी सीमा पे, तो उसे केकड़े खाने वाली सील मछलियां नजर आई जो इस तरीके से आइस फ्लोज, यानी बर्फ के जो तैरते हुए टुकड़े होते हैं उसके ऊपर इस तरीके से लेटी हुई थी, पसरी हुई थी और अपने आप को धूप में सुखा रही थी, धूप का आनंद ले रही थी, जैसे गर्मियों की धूप में जो गर्म देश होते हैं उनमें गर्मियों की धूप में जो वट वृक्ष होते हैं, बड़े बरगद के पेड़ होते हैं, उसके नीचे जैसे कुत्ते पसरे हुए होते हैं, उस तरीके से जो सील मछलियां थी ये तैरते बर्फ के टुकड़ों के ऊपर मजे से लेटी हुई थी। इट वॉज नथिंग सोर्ट ऑफ ए रेवलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। कुल मिला के लेखिका कहती है कि यहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि बहुत ही अलग दिखाई दे, हर यहां पर जो चीज है वो साफ बताती है कि वहां के एक दूर गर्म देश में उगने वाला पेड़ और वहां पे उस छांव के नीचे लेटने वाले कुत्ते और इस धरती पर, यहां पर जिस समय वो अंटार्कटिका पे खड़ी है और वहां तैरती हुई बर्फ के ऊपर तैरने वाली जो लेटी हुई जो सील मछलियां हैं, ये सारी चीजें आपस में अंतर संबंधित है। इस अंटार्कटिका का जो पूरी तरीके से निर्जन और बर्फ में ढका हुआ है और बाकी की वो दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट जो हरियाली और मिट्टी पानी और जीवन से भरे पड़े हैं, इन सब में अंतर संबंध है, ये अलग नहीं है। 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play of our planet. वापिस उसकी यात्रा शुरू होती है, 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water और दुनिया भर के इकोस्फेयर पार करके आखिरकार वापिस लेखिका जो है अपने मद्रास पहुंच जाती है। और आज भी वो इस एंटार्क्टिका की जो असीम सुंदरता है और ये जो पृथ्वी ने बैलेंस बना रखा है कि पृथ्वी के एक तरफ तो बर्फ का ढका हुआ एक ऐसा भयंकर इलाका है कि वहां बर्फ के अलावा कोई जीव जंतु नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे महाद्वीप भी हैं जहां जीवन बसा हुआ है, हरियाली है, तो वो आश्चर्यचकित होती है इस प्रकृति की सुंदरता पर और इस ग्रह के बैलेंस पर, संतुलन पर। How would it be if Antarctica were to become the warm place and it once used to be? लेखिका ताज्जुब करती है घर आने के बाद कि क्या हो अगर दोबारा से Antarctica उतना ही गर्म स्थान बन जाए जितना कि जुरासिक पीरियड में हुआ करता था जब यहां डायनासोरस हुआ करते थे। Will we be around to see? लेखिका कहती है कि क्या हम उस देखने के लिए जिंदा रहेंगे? Or would we have gone the way to the dinosaurs, mammoths?
एंड बुली डायनोस, या फिर हमारा भी वही अंजाम होगा जो डायनासोर्स का हुआ, मैमथ्स का हुआ, और जो बड़े बड़े बुली डायनासोर्स होते थे बाल वाले, उन सबके जैसे कहीं हम भी विलुप्त तो नहीं हो जाएंगे? Who's to say? लेकिन आखिरकार उसका मन समझाता है कि ये बात कौन कह सकता है कि दोबारा से धरती में ऐसा हो सकता है. बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद ए बंच ऑफ टीनेजर्स हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, ऑल आई कैन से दैट All I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. लेकिन लेखिका कहती है उन जो टीनेजर, जो युवा किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं, वो बच्चे जिनके अंदर आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद है, जो सच्चाई में, नेकी में, अच्छाई में, भलाई में यकीन करते हैं, जो इस दुनिया को बचाने के लिए अपने आदर्श बना के बैठे हैं, उन बच्चों के एक झुंड के साथ जो वो कहती है कि मैंने 2 सप्ताह बिताए हैं, इस 2 सप्ताह इन बच्चों के साथ बिताने के बाद मैं ये जानती हूं कि इन हजारों करोड़ों साल की अवधि में इंसान ने धरती को नुकसान तो बहुत कुछ पहुंचा रखा है, लेकिन एक दिन के अंदर क्या इंसान इसमें कोई अंतर पैदा नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है. लेखिका कहना चाहती है कि अगर 12,000 साल में इंसान ने धरती को चोट पहुंचाई है, तो केवल एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि हम इस धरती की उन चोटों को सही कर सकते हैं, इस प्रकृति के संतुलन को सही कर सकते हैं. द राइटर इज ईशानी दोषी. तो यहां पर लेखिका ने आइडियलिज्म की बात करी है स्टूडेंट्स के अंदर. तो अगर स्टूडेंट्स के अंदर आइडियलिज्म हो तो उसको फेथफुल और दूसरे के लिए ग्रेटफुल होना जरूरी है. तो ये बात मैं टॉपिक इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स है वीडियो देख लेते हैं, लेकिन ना तो उनका कोई कमेंट होता है, ना सब्सक्राइब और ना ही कोई लाइक होता है. एटलीस्ट कमेंट तो कम से कम होने चाहिए कि बनाने वाले को पता चले कि कैसा बनाया, अच्छा बनाया, बुरा बनाया, या किसी चीज की कमी है. तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब में और कमेंट करने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए. अगर चैप्टर में तुम्हें कुछ भी वर्थफुल नजर आया, वर्थलेस है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल नेग्लेक्ट करो. तो राइटर ईशानी दोषी है, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने एंटार्क्टिका, और एंटार्क्टिका ही नहीं, हमें पूरे वर्ल्ड की, पूरी इस अर्थ की हिस्ट्री के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया, बहुत ही ईजी तरीके से. आई थिंक सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब.